टू माई इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो मतलब काफ़ी रात हो चुकी है, तो इसमें मतलब शायद थोड़ा सा मतलब अंधेरे की लाइटिंग की वजह से आपको सही से प्रॉपर रूप से न दिखे। तो यहाँ पे हम राज्यसभा और उपसभापति के विषय में चर्चा करेंगे कि राज्यसभा उपसभापति का मतलब जो कार्यकाल वगैरह कैसे कैसे क्या होता है, किस अनुच्छेद में कौन आते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है राज्यसभा और उपसभापति, तो बने रहिए माय इंडिया के साथ। माय इंडिया चैनल हमेशा आपका तहे दिल से स्वागत करता हो करता रहेगा। जैसा कि यहाँ पे हम जानेंगे कि राज्यसभा और उपसभापति, तो भारत का उपसभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, क्या बताएंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो मतलब ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ऐसे करके ये पूछता है। तो आप इसमें मारेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है महोदय जो हैं भारत ये जो कि यहाँ पे ये हैं, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद राज्यसभा शीघ्रताशीघ्र अपना एक उपसभापति चुनती है। तो मतलब यहाँ पे जो कि दिखाया गया कि राज्यसभा शीघ्रता शीघ्र अपना एक उपसभापति चुनती है, तथा जब जब यह पद रिक्त होता है तब जो कि यहाँ पर किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। तो जब मतलब ये पद रिक्त हो जाएगा तो किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। तो ओवरऑल ये सब दिखाया गया, जैसा कि मतलब इसमें ज़्यादा समझाने वाला कोई चीज़ पॉइंट है नहीं, बस इसको हम एक मोटी मोटा मुद्दा लेके चल रहे हैं। बस आप बने रहिए, एक प्रॉपर सा लैंग्वेज आपके यहाँ से गुजर जाएगा, तो उसके बाद आप कहीं भी रहेंगे तो कॉल लेंगे। तो ये जो कि यहाँ पे दिया कि राज्यसभा शीघ्रता शीघ्र एक उपसभा चुनती है, जब जब पद रिक्त होता है तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 99 क्या कहता है, तो ये जो कि मतलब क्या कहता है, तो तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। तो मतलब यहाँ पे राज्यसभा के मतलब सभापति वगैरह से संबंधित ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90, सभापति उपसभापति ये अनुच्छेद 99 वगैरह ये सब आता है। तो बस बने रहिए माय इंडिया के साथ। तो माय इंडिया चैनल आपका तहे दिल से स्वागत करता है और करता रहेगा। तो मतलब जो कि यहाँ पे दिया गया, उसके बाद राज्यसभा का पदेन जो कि यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा का ये क्या है, कि राज्यसभा का उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला एक सदस्य जो करने वाला एक सदस्य है, तो मतलब जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो उसी को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो रही बात यूपीएससी, धीरे धीरे देखेंगे पूरी सिलेबस ख़त्म हो जाएगी। रही बात, तो बस आप बने रहिए, चाहे बिहार दरोगा चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, बस एक मोटी मोटा मुद्दा आपके यहाँ से गुजरेगा और आप उसको दो बार तीन बार करके देख लेंगे। तो यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो जो कि यहाँ पे दिया गया, तो उसको हम जानेंगे कि अपना पद रिक्त कर देगा, क्या करेगा, ये सब जो कि ओवरऑल डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे दूसरा जो कि दिया गया, तो किसी भी अन्य अन्य जो कि ये दिया गया कि किसी भी अन्य समय सभापति को जो कि संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल वो सब डिस्कस किया गया कि किसी भी सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है, उसके राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। तो मतलब जो हटाना है, तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। रही बात, तो बस आप ध्यान से सुनिए, बस बाकी का मेरा काम है आपके पूरी जो ये इंद्रियां होती है उसको अपने बस में करके आपको एक मोटी मोटा मुद्दा गुजारना है। तो राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों में बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा संकल्प के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। तो मतलब उसको 14 दिन पूर्व आपको पहले से जो नियम रेगुलेशन बना है, तो उसको 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो कितने दिन पहले देनी पड़ेगी, तो आप जैसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो यहाँ पे 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। थोड़ी सी मतलब
अंधेरा हो चुका है तो लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बने रहिए प्रॉपर रूप से। थोड़ा सा बस इतना सा हम डिस्कस कर लेंगे। रही बात तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, तो ये सब सब खत्म हो जाएगा। चाहे आप जो जो दुनिया लेवल का कोई भी दे उससे मतलब नहीं है, तो समझ लीजिए आज हम कहिए या तो एक पौआ पी के पढ़ा रहे हैं, चाहे जैसे पढ़ा रहे हैं बस पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि दिया गया है, तो उसके बाद 6 90 जिसे कहते हैं तो 90 बोलते हैं, तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। तो ये भारतीय संविधान का भाग 5 चल रहा है, तो धीरे धीरे भाग 5 के बाद भारतीय संविधान के भाग 6 भी चालू हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 90 जो कि यहाँ पे दिया गया है, उसके अंदर राज्यसभा को किसी बैठक जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम जानेंगे कि राज्यसभा को किसी बैठक में यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति यदि ही जो कि मतलब दिया गया कि उपसभापति यदि वहाँ भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा को क्या करना चाहिए। राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राज्यसभा निर्धारित करे बैठक के सभापति, तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो हम उसको जानेंगे। तो बैठक के सभापति जो कि माई इंडिया है, ये चैनल का लोगो है, तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बने रहिए, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है किसी वीडियो में, क्योंकि माई इंडिया मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा है, तो बस आप बने रहिए। तो ऐसा सदस्य जिसे राज्यसभा द्वारा सभा निर्वाचित करे बैठक के सभापति के रूप में कार्य करेगा, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 जो कहा, तो उसको हम आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके राज्यसभा में बैठक जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उपसभापति उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, तो जो कि यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस किया गया। तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, जो मुद्दा है बस मुद्दा जा रहा है। आप एक बार अपनी आँख से सरसरी निगाह से गुजार दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर राज्यसभा की बैठक में जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उपसभापति उपस्थित रहते हुए पीठासीन न होता है, तो जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बस बने रहिए। रही बात तो माई इंडिया का चैनल का काम है आपको प्रॉपर रूप से नॉलेज देना, तो वही माई इंडिया चैनल कर रहा है, तो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, तो बस बने रहिए। तो यहाँ पे जब ओवरऑल अब हम डिस्कस करते हैं, जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उसे राज्यसभा जो कि यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा में बोलने का अधिकार हर है, तो मतलब जो कि मतलब यहाँ पे जब उपराष्ट्रपति हटाने का संकल्प विचाराधीन है कि विचार वगैरह किया जाएगा, तो क्या वैसे ही थोड़ी ना हटा देंगे, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद राज्यसभा का बोलने का अधिकार भी है कि किंतु वह ऐसे से संकल्प का किसी अन्य विषय जो कि यहाँ पे पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है, तो जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं। तो रही बात तो बस अब बने रहिए माई इंडिया चैनल के साथ। माई इंडिया चैनल आपको धीरे धीरे करके पूरी श्रृंखला दे देगा। रही बात तो बीएड वाली वालों जो सी टेट पेट यूपी टेट ये सब तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो मतलब चल रहा है, क्योंकि वो ये सब थोड़ी सी मतलब अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे वैसे हो सकती। रही बात तो वो सब रही बात तो और बढ़िया तरीके से अब क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे उपसभापति जो कि दिया गया है, ओवरऑल यहाँ पे जब उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उसे राज्यसभा में बोलने का अधिकार, किंतु वह ऐसे संकल्प का किसी अन्य विषय पे मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है, तो ये बार बार जितनी बार आप चीज़ें देखेंगे उससे आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और आप के अंदर एक क्राइटेरिया एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी कि यदि यार हमको ये कुछ कुछ आ रहा था, मान ली पहली बार में 1% आ रहा है तो दूसरी बार में वो 2% आएगा, इससे 3% 4% बढ़ते बढ़ते 100% हो जाएगा। बस आपका काम है कि माई इंडिया चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो जो कि यहाँ पे अब हम अगर लाएंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम जानेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष कहता है और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा शीघ्रता जो कि शीघ्रता से अपने सदस्यों में एक
एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 क्या कहता है, तो उसको हम जानेंगे कि लोकसभा का सभा शीघ्र अपने सदस्यों का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है। तो बस बने रहिए माइंड यार। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति, जो कि यहाँ पे कुछ नियम रेगुलेशन दिए गए, तो बस वही नियम रेगुलेशन हम आपके यहाँ से प्रॉपर रूप से गुजार देंगे। अब बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ऐसे मतलब करके देख लीजिएगा, उससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। यदि किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र दे देता है तो दे सकता है। मतलब किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। रही बात तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा में, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि तात्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपना पद, जो कि अपने पद से हटाया जा सकेगा। तो मतलब ये जो कि यहाँ पे 14 दिन है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष नव निर्वाचित लोकसभा, जो कि का प्रथम अधिवेशन ठीक पहले, जो कि यहाँ पे दिया गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा सभा को, मतलब जो कि लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद रिक्त नहीं करेगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 94 कहता है। तो हमने ये सब ओवरऑल जाना कि आज 94 तक रही बात, तो अगले वीडियो में ये पूरी श्रृंखला खत्म हो जाएंगी। बस अब बने रहिए माई इंडिया के साथ। माई इंडिया चैनल आपका तहे दिल से हमेशा स्वागत करता था और स्वागत करता रहेगा। तो कैसी लग रही है वीडियो, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।